नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 130, 126, 140 या फिर 136? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत ने 126वीं रैंक हासिल की है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की व्यापक रैंकिंग प्रदान करता है। आइसलैंड एक बार फिर दुनिया में शांतिपूर्ण देश के रूप में उभरा है, जिसने 2008 से अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। इसके विपरीत वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की स्थिति 163 देशों में से 126 है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गुड़गांव, नई दिल्ली, मुंबई या फिर पुणे? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक व्यापक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का पता लगाना और उसे बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, एक मिशन जिसका उद्देश्य 2070 तक भारत के नेट शून्य लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत ने 2030 तक के लक्ष्य को पार करते हुए पहले ही अपनी 40% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर ली है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मनोज मुकुंद, प्रणव पात्रा, संजीव कुमार या फिर आधव अर्जुन? तो अभी हाल ही में आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में विजयी हुए और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद हासिल किया। पूर्व खिलाड़ी और मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल को महासचिव चुना गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया है? 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई या फिर 6 जुलाई? तो अभी हाल ही में 3 जुलाई को धर्मचक्र दिवस मनाया गया है और अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात करें तो यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। धर्मचक्र दिवस ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध की पहली शिक्षा की स्मृति में मनाया जाता है। धर्मचक्र दिवस का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के साथ साझेदारी में किया जाता है। इस दिन को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, यानी भारत में आषाढ़ पूर्णिमा, श्रीलंका में एसाला पोया और थाईलैंड में असनहा बूचा के नाम से जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, जीमेक्स समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? शिमला, मलेशिया, जापान या फिर इंडोनेशिया? तो भारत और जापान के बीच जीमेक्स समुद्री अभ्यास आयोजित होने वाला है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जीमेक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है और इसका उद्देश्य जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच अंतर संचालनीयता और सहयोग को बढ़ाना है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, हार्बर चरण और समुद्री चरण। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस बैंक द्वारा उन्नत डेटा प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई है? RBI, SBI, एक्सिस बैंक या फिर केनरा बैंक? तो अभी हाल ही में RBI के द्वारा CIMS लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सूचना प्रबंधन ढांचे को बढ़ाने के लिए अपनी केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है।
CIMS RBI के उन्नत डेटा वेयर हाउस के रूप में कार्य करता है, जो व्यापक डेटा प्रवाह प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। प्रारंभ में यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग पर केंद्रित है और धीरे धीरे शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक विस्तारित होगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अमित शाह ने पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो अभी हाल ही में गुजरात में देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है श्री अमित शाह द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात के मेहसाणा में श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। यह अभूतपूर्व परियोजना एक सहकारी संगठन द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय हैं, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। सैनिक स्कूल कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के लिए तैयार करते हैं। सैनिक स्कूलों की शुरुआत 1961 में हुई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण देने वाले राज्य के रूप के प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तमिलनाडु, बिहार, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? तो अभी हाल ही में बिहार ने सूक्ष्म ऋण देने वाले राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है। क्रेडिट सूचना कंपनी क्रिफ हाई मार्क द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक माइक्रो लेंडिंग वाला राज्य बन गया है। रिपोर्ट में पिछली तिमाही की तुलना में मार्च तिमाही के दौरान सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13.5% की वृद्धि के साथ बिहार की प्रभावशाली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में पीरामल फाइनेंस ने कहाँ मैत्रीय नामक पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत की है? कोच्चि, मैंगलोर, कन्नूर या फिर वायनाड? तो अभी हाल ही में कोच्चि में पहली मैत्री नामक पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत हुई है। अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पीरामल फाइनेंस ने कोच्चि के उपनगरीय क्षेत्र त्रिपुनिथुरा में मैत्रीय नामक अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा खोलकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस रणनीतिक विस्तार पहल का उद्देश्य महिला ग्राहकों की अनूठी जरूरतों को पूरा करना और बढ़ती बाजार क्षमता का लाभ उठाना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। किसके द्वारा थ्रेड्स ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया गया है? गूगल, अमेजन, मेटा या फिर ट्विटर? तो अभी हाल ही में मेटा के द्वारा थ्रेड्स ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया गया है। इंस्टाग्राम के मालिक मेटा ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया है। गोपनीयता सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ थ्रेड्स को इंस्टाग्राम के साथ एकीकृत किया गया है। उपयोगकर्ताओं के पास अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बैज दिखाने या छुपाने का विकल्प होता है और वे प्रत्येक ऐप के लिए गोपनीयता सेटिंग्स को अलग से अनुकूलित कर सकते हैं। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे करंट अफेयर सेशन को इंग्लिश में जानने के लिए, देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।